स्वागत है। आज हम लोग हैं मालवी नगर विधानसभा के अंदर और हमारे साथ हैं सुशील वढेरा जी, जो बहुजन समाज के साथ जुड़े हुए हैं 2007 से, जिनका बहुत अच्छा कैरियर रहा है बहुजन समाज के लिए और निस्वार्थ निसंकोच तरीके से काम करते हैं सभी सोशल समाज सोशल वंचित समाज के लिए और 24 घंटे की सेवा देते हैं बहुजन के लिए। जो भी कार्य रहते हैं 24 घंटे कोई भी इनसे मिलता है तो कभी भी आके मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं, सबसे बड़ी बात है। सुशील जी, पहले तो आपका हमारे चैनलों में स्वागत है। नमस्कार जी। बसपा सुप्रीमो बहन कुंवरी मायावती ने आपको टिकट दिया है, किस क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप इलेक्शन में जाएंगे और लोगों से वोट मांगेंगे? बहन जी का जो मेन उद्देश्य है वो इस देश की सेवा के साथ साथ हमारे देश के जो पिछड़े कमज़ोर और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो तबके के लोग हैं उनका स्टेटस को ऊपर उठाना है जी। बहन जी चाहती हैं कि समाज के सभी लोग बराबर हों और सबको न्याय मिले। ये एक उन कमज़ोर और पिछड़े और आर्थिक रूप से अति पिछड़े लोगों के लिए बहन जी की ये एक लड़ाई है जिसमें हम उनके साथ हैं जी। बहुत लंबे समय रहा है आपका बहुजन समाज के साथ, बहुजन समाज में कार्य करते हुए, तो क्या विचारधाराएं रहती हैं बहुजन समाज के लोगों की और बहुजन बीएसपी पार्टी की, वो बताएं। बीएसपी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि उनको उनका हक मिले, क्योंकि लंबे समय से कुछ ऐसे स्वर्ण लोग हैं जो कि उनको उनके हक से वंचित कर रहे हैं। शहरों में तो स्थिति कुछ ठीक है लेकिन गांव में इनके हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं जी। एक बार बहन जी सेंटर में आए कि यूपी में उन्होंने काफ़ी काम किए हैं पिछड़े लोगों के लिए, उनको न्याय दिलाने की पूरी भरसक कोशिश की है। कि आपने अभी सुना होगा राजस्थान में एक पिछड़े वर्ग के जो मैं शादी में उनको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया, ये आज भी हमारे देश में जो समाज मतलब कि धर्म के नाम पर जाति के नाम पर जो बंटवारा हुआ पड़ा है राजनीति रूप से, उसको ख़त्म करने के लिए बहन जी ने एक संकल्प लिया हुआ है कि देश में ये धार्मिक रूप से जो एक पागलपन हो रहा है उसको रोका जाए और सब लोगों को, पिछड़े और कमज़ोर लोगों को, सबको न्याय मिले। सुशील जी, आज सभी लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता से वोट की अपील करेंगे? आपका ये सवाल काफ़ी अच्छा है जी। बिजली की समस्या हमारी दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है जी। बिजली के जो बिल हैं ये काफ़ी ज़्यादा आने शुरू कर दिए जी। लेकिन ये तो अरविंद केजरीवाल साहब ने कम करा दिए हैं। नहीं, वो कम नहीं हुए हैं बल्कि उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। 2 महीने का जो बिल था वो 1 महीने में ही आ रहा है और उसमें वो पेंशन का भी आ रहा है, जबकि आम जनता का BSC SC की पेंशन से कोई मुद्दा नहीं है जी। और सरचार्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं जी। इनडायरेक्टली रूप से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया है और दिल्ली के जो बिल हैं बहुत ज़्यादा आने शुरू किए हैं और दिल्ली में जो जनता है पानी और बिजली के बिलों की वजह से त्राही त्राही मची हुई है जी। पानी मिल नहीं रहा है, बिजली में बिल डबल ट्रिपल हो गए हैं। हम जब बहन जी सेंटर में आएंगी तो हम लोग इस मुद्दे पर भी, मैं दिल्ली वालों की इस मुद्दे पर भी कोशिश करूंगा कि भाई उनके पानी जो है वो आधे रेट हो जाए और बिजली के ये जो 2 महीने के बिल की जगह 1 महीने का बिल आना शुरू हुआ है जो डबल ट्रिपल रेट हो गया है, इसको भी कम करेंगे जी। यूपी के अंदर गठबंधन का जोर चल रहा है तो क्या इसका असर दिल्ली में भी देखने को मिलेगा? हाँ, इस बार दिल्ली में बसपा का एक मजबूत स्थिति में है और उम्मीद है कि इस बार बसपा दिल्ली में 4 से 5 सीटें निकाल जाएगी। हमारे नए 10% नए वोटर हर साल जुड़ते हैं जी। और आज की स्थिति इतनी भयानक आर्थिक रूप से हो गई है जी। कि BJP सरकार ने हमारे सारे सरकारी संस्थान बंद कर दिए, नोटबंदी से 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई जी। जबकि BJP ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे जी। नौकरी देने की जगह लोगों की नौकरी चली गई और कई, आपने देखा है, कई सरकारी संस्थान, कई प्राइवेट और कई बिजनेसमैन बेरोजगार हो गए हैं जिसमें लगभग 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जिन लोगों, मैक्सिमम लोगों को हम उनका बेरोजगार जो हो गए हैं उनको हम नौकरी दें, उनको काम धंधा दें जिससे कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए है कि जो नवयुवक अपना पढ़ लिख कर आते हैं उन सबको नौकरी मिले और हम चाहते हैं कि वो अपने बलबूते पर अपने बिजनेस को खोलें। उसके लिए हमारी पार्टी बैंकों के थ्रू उनको पूरी वित्तीय सहायता करेगी।
आपके कार्यालय सभी जगह पे खुलेंगे, यहीं पे रहेगा मालवीय नगर के अंदर, वो किस तरीके से रहेगा और लोग आपसे किस तरीके से जुड़ें उसके बारे में बताएं। हमारे यहाँ 10 विधानसभाएं हैं, हम 10 विधानसभाओं में हर जगह अपना 10 ऑफिस खोलेंगे जी। और उनके नीचे उनके जो ब्लॉक प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे जी, जिससे कि हम घर घर जाकर हम लोगों को उनको कन्विंस करेंगे जी। सुशील जी यहाँ से जो है मीनाक्षी लेखी जी हैं और अजय माखन जी भी हैं, तो इनकी बराबरी आप किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से अपने वोट बैंक को कैश करेंगे? मीनाक्षी लेखी जी एक बहुत बड़ी वकील हैं जिसके मिलने की एक बहुत बड़ी फीस होती है। पिछले 5 साल में उनका लोगों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा है। और अजय माकन जी मंत्री हैं, जब कोई आदमी मंत्री बन जाता है तो आम पब्लिक को उससे मिलने में बड़ी दिक्कत होती है जी। मैं लोगों के बीच में रहकर लोगों के साथ उनकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा जी। और मैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके दरवाजे तक जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि यहाँ मेरे जो एरिया के लोग हैं उन लोगों की जो भी समस्याएं हों वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हों और उनको बाहर के कैंडिडेट से बचना चाहिए जी। आपने बताया मीनाक्षी लेखी जी एक बहुत बड़ी वकील हैं, अजय माकन जी हैं वो एक सांसद हैं, तो क्या लगता है कि आप भी जीतने की तरह जनता को उसी तरीके का प्रलोभन देंगे या काम करेंगे? ये लोग काफ़ी पैसे वाले हैं, काफ़ी पैसे वाली पार्टी से हैं जी। हमारी पार्टी मैंने पहले ही बताया कि ये गरीबों की पार्टी है और ये पिछड़ों की पार्टी है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जी। लेकिन हम जो भी पब्लिसिटी करेंगे वो माउथ टू माउथ करेंगे जी। और लोगों के घर घर जाकर करेंगे जी। हम एक रेवोल्यूशन दिल्ली में लाएंगे कि लोगों को, नौजवानों को और यहाँ के जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनको समझाएंगे जी। और महंगाई पर हम पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जिससे कि लोगों को जो महंगाई की तकलीफ़ है उससे हम छुटकारा दिलाएं जी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आज पूरे देश के अंदर गठबंधन की लहर है, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो ऐसे कौन से कार्य रहेंगे जो आज तक की सरकारों ने नहीं करे हैं उसके बारे में बताएं? सुमन जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उसमें सबसे बड़ा जो है वो बेरोज़गार का है, व्यापारियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं क्यों उनके ऊपर GST एकदम अचानक से लाद दिया गया है। डीमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी हमारे काम धंधे बंद हो गए हैं, आपको ये मालूम होगा FDI बिल्कुल नहीं हमारे देश में आया है कि लोगों का इस भाजपा की सरकार पर कोई विश्वास नहीं है और अरबों रुपए हमारी ये BJP सरकार ने, मोदी जी ने इसमें फूंक दिए हैं लेकिन उसको देश से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। डीमोनेटाइजेशन में आम आदमी को बड़ा नुकसान हुआ है, बेरोज़गारी 50 लाख पर साल वो बढ़ती जा रही है, नए रोज़गार की जगह पुराने रोज़गार लोगों से छिनते जा रहे हैं, सीलिंग की दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या है। हम इन सभी मुद्दों पर कोशिश करेंगे कि आम आदमी को राहत दें। आप थे हमारे साथ सुशील वडेरा जी, जिन्होंने बताया कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो देश के अंदर वो सारे कार्य होंगे जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं करे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, रोड हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो या बेरोज़गारी तक वो हों। तो आप बहुजन समाज की जो हमारे सुशील वडेरा जी हैं उन्होंने अपना नंबर दे दिया है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप देख सकते हैं, वीडियोस के नीचे देख सकते हैं, आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें सहयोग करना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने आप मिलकर आप अपने बुलाना चाहते हैं तो भी आप उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि वो जमीनी कार्य करते हैं बहुजन समाज के और उन्होंने बहुत लंबा समय समाज के लिए समर्पित कराया है और ग्राउंड लेवल पर उन्होंने बहुत अच्छी पहचान है आज पूरे क्षेत्र के अंदर। हमारे चैनल को आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।